कि जिन भी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर के माध्यम से जमातियों के ऊपर एक प्रोपोगेंडा फैलाया था, इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देश के अंदर भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि विदेश तक को इनके बारे में बोलना पड़ रहा है। विदेशी मीडिया ने इनको बताया है कि ये स्मोक से भी जहरीले हैं। स्मोक क्या करती है, धीरे धीरे शरीर को बेकार और खोखला करती है, और ये ऐसी स्मोक है, ये ऐसा नशा है जो एक बारी में लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों में भर दिया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि जो जमातियों का कॉन्सेप्ट है, मेरा मानना यह है कि इसी के कारण देश के अंदर बेंगलोर के अंदर हिंसा बढ़ गई, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले इसमें जांच करनी चाहिए कि किसके तहत ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया, और सरकार क्यों आपसी मतभेद इतना बढ़ाने में लगी है लोगों के बीच में कि बेंगलोर के अंदर हिंसा होती है, दिल्ली हिंसा से जल जाती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जल रहा है। मोहित भी है इस वक्त, हम उनसे जानना चाहेंगे। मोहित, लगातार ये जो मुद्दा उठाया गया, तबलीगी जमात को लेकर निशाना भी बनाया गया, उनके ऊपर तमाम बातें भी की गई, उसी के चलते उनकी पिटाई भी हुई मोहल्लों में, कई लोगों ने शर्म के चलते मौत की आगोश में खुद को डालना आसान समझा। अब जिस तरह से ये मामला बना है, अब ये चारों तरफ से गायब है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत की नीति है अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम, जिस तरीके से भारत देश का अपमान किया जा रहा है लगातार, और मैं सबसे पहले तो देश की न्यायपालिका से अपील करूंगा कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पर, नेटवर्किंग साइट पर एक लोग मेल के थ्रू या ट्विटर के थ्रू जिस तरीके से एक्शन होता है, तो जिस तरीके से अब कोर्ट के थ्रू इन जमातियों को रिलीफ दिया गया है, उनको राहत दी गई है, उसी तरीके से मैं चाहूंगा न्यायपालिका से कि जिन भी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर के माध्यम से जमातियों के ऊपर एक प्रोपोगेंडा फैलाया था, इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देश के अंदर भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि विदेश तक को इनके बारे में बोलना पड़ रहा है। विदेशी मीडिया ने इनको बताया है कि ये स्मोक से भी जहरीले हैं, और इस बात में कोई शक और कोई आशंका नहीं है कि ये लोग स्मोक से भी ज्यादा जहरीले हैं। स्मोक क्या करती है, धीरे धीरे शरीर को बेकार और खोखला करती है, और ये ऐसी स्मोक है, ये ऐसा नशा है जो एक बारी में लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों में भर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहूंगा कि जो जमातियों का कॉन्सेप्ट है, मेरा मानना यह है कि इसी के कारण देश के अंदर बेंगलोर के अंदर हिंसा बढ़ गई, या तमाम जगहों पर जहां से भी हिंसा की खबर आई है इस COVID-19 के समय में, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और जिस भी लोगों ने, जिन भी चैनलों ने इस प्रोपोगेंडा को फैलाया था, सुप्रीम कोर्ट को पहले इसमें जांच करनी चाहिए कि किसके तहत ये प्रोपोगेंडा फैलाया गया, कि आखिर गवर्नमेंट के कहने पे फैलाया, तो आखिर इतना क्यों डरा जा रहा है सरकार से, और सरकार क्यों आपसी मतभेद इतना बढ़ाने में लगी है लोगों के बीच में कि बेंगलोर के अंदर हिंसा होती है, दिल्ली हिंसा से जल जाती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोर को दाना खिलाने में लगे हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि शायद आपको याद ना हो, लेकिन देश की जनता को याद बखूबी रहता है। 2017 के अंदर लालू प्रसाद यादव जो विपक्ष के नेता हैं आज, उनके घर में मोर आ गया था, क्योंकि उनके घर में गार्डनिंग थी, मोर आ गया था, तो मोर के आ जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम सत्ताधारी दलों के नेता ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करी थी। तो आज आपको मैं एक बात बता दूं कि आईपीसी के तहत देश के अंदर संविधान के अंदर आर्टिकल 40-43 के अंदर ये प्रावधान है कि भैया आप मोर जो देश का राष्ट्रीय पक्षी है आप उसको नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री जी 6 बार कपड़े बदलकर फोटो खिंचवाते हैं, तो क्या इस देश की दलाल मीडिया अब देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाएगी, या किसके अंदर इतना दम है जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ केस डालेगा क्या, या फिर इस देश के अंदर न्यायपालिका और कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है, अमीरों के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है, कोई कानून नहीं है? तो इन सभी तमाम बातों का भी जवाब देना होगा। और देश में गोदी मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, इन दलाल पत्रकारों का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि एक लाइव डिबेट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और लाइव डिबेट के दौरान माँ बहन की गालियां तक दे दी जाती हैं। ये देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो लगातार हाईलाइट करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को, लगातार हाईलाइट करते हैं इस मुद्दे को कि जमातियों से फैल रहा है कोरोना, आज ये दलाल पत्रकार चुप और मौन क्यों हैं? क्या इन्होंने सत्ता की दलाली का फेविकॉल पी लिया है जिसके कारण इनकी आवाज नहीं निकलती, या फिर ये गूंगेपन का शिकार हो गए हैं? ये बात क्लियर करें अर्नब गोस्वामी। आप जानते हैं इनको अंधभक्त क्यों कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? इसका कारण है एक बहुत बड़ा, कि हमारे देश के अंदर पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनकी सीबीआई जांच नहीं होती, हमारे देश के 20 जवान चाइना बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं उनकी सीबीआई जांच नहीं होती,
ये सारे के सारे अंधभक्त सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्या एक देश के अंदर बॉलीवुड एक्टर से ज्यादा कीमत उन शहीदों की नहीं है? उन शहीदों को लेकर सीबीआई जांच की जानी चाहिए। और आप एक बात बताइए, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को न्यायपालिका के कानून को देख के देखें ना, जो इनकी सारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके की योजनाएं, बेटी बचाओ के तहत एक बहुत बड़ी बात याद आ गई कि इन्होंने एक बात करी थी कि हम महिलाओं के लिए उनकी इज्जत आबरू को लेकर एक कानून पास कराएंगे। जानते हैं वो कानून पास क्यों नहीं हुआ? इनके 40 से ज्यादा नेता और विधायकों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। पार्टी खाली हो जाएगी, सत्ताएं गिर जाएंगी, कुर्सियां खाली हो जाएंगी, और सारे नेता बलात्कारी हैं। जिस दिन उस दिन इस देश के अंदर हमें शर्म आती है अपने आप को कहते हुए कि जब इस देश के नेता जुडिशरी पर दबाव डालते हैं, उसको खरीदने का प्रयास करते हैं, मीडिया को खरीदने का प्रयास क्या करते हैं, मीडिया तो खरीद चुके हैं, और ना जाने ये स्तर कितना गिराएंगे। इतना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा जितना देश के अंदर मीडिया का स्तर गिर गया है। आज जमातियों को लेकर इनसे सवाल पूछता है और भारत, और भारतीय मीडिया पे थूकता है भारत। हमारे साथ मोहित भी हैं। मोहित, जमातियों की बात हम कर रहे हैं लेकिन अगर देश की बात करते हैं तो देश में इस वक्त जो भारत असली समस्या से जूझ रहा है वो है बेरोजगारी। अभी रोजगार नहीं है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन सरकार ऐसा कौन कह रहा है आपसे? एक मिनट, पहली बात आपने गलत बात बोल दी है। देश में मोदी जी ने रोजगार दिया है। आप सुबह में चाय भी बेच सकती हैं, दोपहर में पकौड़ा भी बेच सकती हैं, और रात में चौकीदारी भी कर सकती हैं। कौन कहता है देश में रोजगार नहीं है? पूरा तो रोजगार मोदी जी दे रहे हैं, सुबह चाय, दोपहर में पकौड़ा, रात में चौकीदारी, और उसके अलावा बदल बदल के भी देते रहते हैं लोगों को रोजगार। नफरती चिंटू हैं, ये नफरत फैलाने की बात करते रहते हैं, और इनके बहुत सारे नए नए कार्यकर्ता लोग हैं जो ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं, तो रोजगार की कमी कहां है देश में? और भैया, बात की गई थी धारा 370 की, भ्रष्टाचार की, काले धन की, रोजगार की थोड़ी बात थी उसमें। भाई मोदी जी कहां से पूरा करेंगे? रोजगार की बात कही थी मोदी जी ने जो करेंगे पूरा, नहीं है, तो ये तो बात है ही नहीं। और आप कैसी बात कर रही हैं? धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, अब भी आपको रोजगार चाहिए, अब भी आपको खाना पीना नहीं मिल रहा, ये तो गलत बात है। आप तो विरोध ही करते रहेंगे हर टाइम पे। भैया धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, रोजगार की क्या आवश्यकता? रोजगार तो मिलता रहेगा जब मिलना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? भैया मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने रेलवे बेका, एयर इंडिया बेका, बीएसएनएल बेका, मोदी जी आपको जरूरत पड़े तो आप अंधभक्तों की किडनी भी बेचना, लेकिन मोदी जी आप ये देश मत बिकने देना, ये देश मत झुकने देना। मैं मोदी जी आपके साथ खड़ा हुआ हूं बिल्कुल। माना मोदी जी आप सब चीज बेच रहे हैं धीरे धीरे। मैं आपको बताऊं देश की स्थिति कैसी है? सभी लोगों ने जय हो फिल्म देखी है? जय हो फिल्म जो सलमान खान की फिल्म आई थी, ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आज पूरे देश में चल रहा है, जिसमें उसमें डैनी जो है वो एक डायलॉग बोलते हैं कि जब एक जज हमें कानून सिखा रहा था तो हमने उस जज की जबान कटवा दी, ठीक है, जब हमारी कुर्सी को खतरा था तो देश में हमने आतंकवादी हमले करा दिए, और उसके बाद हमने खूब जोर शोर से देशभक्ति का नारा लगाया। तो आज देश के अंदर यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप एक बात बताइए, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पुलवामा अटैक, संसद पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, ये सारे हमलों की डेट और चुनावों की डेट को मिलाकर देखिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय में ही कोई विदेशी मुल्क हमारे ऊपर अटैक क्यों करता है, और तभी हमारे देश को खतरा क्यों होता है? न चुनाव के बाद हमारे देश को कोई खतरा रहता है, न चुनाव से पहले, पर जब देश में चुनाव आते हैं तो देश को खतरा हो जाता है। कभी हिंदू खतरे में आ जाता है तो कभी मुस्लिम खतरे में आ जाता है। अब न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है, खतरे में आपकी कुर्सी है। अब देख लीजिए बचेगी कैसे? बचनी तो खैर है नहीं, क्योंकि आपके तमाम नेता बहरूपीय नेता, झूठे नेता, आपकी मीडिया बिकाऊ प्रिंट मीडिया से लेकर आपने देश के अंदर जो प्रोपोगेंडा चलाया है ना, प्रिंट मीडिया से लेकर देश की लगातार तमाम सोशल मीडिया के, आप सोशल मीडिया को बंद कराने में लगे हुए, जो आपके खिलाफ विरोध करे आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं, उसे बंद करा देते हैं। प्रशांत भूषण के मामले को लेकर सिर्फ एक छोटी सी बात देश के तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, पीएम तक भी यह संदेश जाना चाहिए कि आप एक बात बताइए कि जब एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल एडवोकेट के ऊपर इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने लोगों के साथ में शोषण हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जब एक एडवोकेट, इतने बड़े हाई प्रोफाइल एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं समझता हूं कि वो कितने हाई प्रोफाइल एडवोकेट हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं झुक रहे, तो आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति के साथ में किस तरीके का शोषण इस देश की सरकार लगातार कराने में लगी हुई है।